मुझे बड़ी हंसी आती है कि सच बोलने की सजा कई लोगों को मिल चुकी है और नुपुर शर्मा को भी वही सजा मिल रही है। लेकिन याद रखना, सच परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। आज हर सनातनी नुपुर शर्मा के साथ है, मैं भी नुपुर शर्मा और भाई नवीन जिंदल के साथ हूँ और सरकार से कहना चाहती हूँ, हिम्मत है तो जरा ओबेसी को गिरफ्तार करके दिखाओ। ओबेसी फूल नहीं बरसा रहा है। बरेली का तोकीर रजा 10 जून को क्या कहा उसने, फूले आम 100 करोड़ को धमकी दी है ना। अभी जलसा हुआ था देवबंद के अंदर, मदनी को जरा गिरफ्तार करो, कह रहे कि जो हमारे धर्म को स्वीकार करते हैं वो हिंदुस्तान में रहे। कानपुर हिंसा का जो मामला है वो बहुत गंभीर मामला है, पीएफआई से कहीं ना कहीं तार रुकते दिखाई दे रहे हैं। कानपुर की नहीं, छोड़िए, जहाँ जहाँ दंगा होता है वहाँ पीएफआई का हाथ होता है, आईएसआई का हाथ होता है। और मैं कहूंगी सरकार से, आदरणीय योगी जी से, जुम्मे की नमाज के बाद जो मौलवियों का भाषण होता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए और जहां पर दंगे होते हैं वहां के मदरसे और मस्जिद को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाए, फिर कहीं दंगा नहीं होगा, अल्लाह भी खुश होगा और पूरा मोहल्ला भी खुश रहेगा। ज्ञान व्यापी हमारा मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा, हमें विश्वास है भाई। नंदी जी विराजमान है, जल्दी से जल्दी वहाँ मंदिर का निर्माण होगा, कोर्ट आदेश देगा और कोर्ट में चल रहा है ये प्रकरण, इसलिए हमें भी वहाँ पर पूजा का स्थान देना चाहिए, पूजा का अधिकार देना चाहिए।